بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। महवे सना है गुंबदे खजरा के साए में मेरे अजीज दोस्तों, वाज एहतराम बुजुर्गो, इंतहाई प्यारे बेटो, आज इतना चीज पुर तकसीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज्जत से दुआ है वो पाक अज़ाब आज इसको सही मफहूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और कौले सदीद पढ़ो, तुम्हें इसके सदके से मैं तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर दूंगा। तीन बातें हैं। पहले अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ लोगों जो ईमान वाले हो अल्लाह से डरो। किसी से पूछ के देख लें, कोई तुर्रम खान हो, कोई रीसादा हो, बादशाह हो, वज़ीर आज़म हो, अमीर हो, गरीब हो, उससे एक सवाल करो, तू अल्लाह से डरता है? खुदा की कसम वो कहेगा मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन जब आप उसके आमाल पे नजर डालोगे, नमाज वो नहीं पढ़ता, कुराने पाक पे वो मल नहीं करता, बदकारियां करता है, जनाकारियां करता है, शराब पीता है, लुच्चा है, गंदा है, कहता क्या है अल्लाह से डरता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, अल्लाह का डर क्या है? पहला काम अल्लाह का मोमन बंदा वो काम हरगिज ना करे जो अल्लाह मना करता है, अल्लाह रोकता है, और वो सारे काम करे जिसको करने का अल्लाह हुक्म देता है। और अगर इसकी जिंदगी में इसने गुनाह किए, अल्लाह की नाफरमानियां की, इससे पहले कि इसकी मौत आ जाए, उन गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की इताअत को कबूल कर ले। तीन बातें अल्लाह के खौफ की है। पहली बात ये, जिस कामों से अल्लाह ने रोका रुक जाए, जिसका करने का हुक्म दिया उसको करने लगे। लेकिन पिछली जिंदगी में, माजी में अगर इससे कोई गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की है, मरने से पहले पहले उसकी तौबा कर ले। इस कसौटी में कसे अपने आप को, कसे इस कसौटी में अपने आप को परखे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। साफ वाजे पता चल जाएगा ये इसकी लफाजी है, मैं अल्लाह से डरता हूं, खुदा की कसम ये नहीं डरता। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में पहला हुक्म दिया, ऐ लोगों जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, वकुलू कौलन सदीदा, कौले सदीद का विर्द करो। तफसीरें पढ़ ले, तकरीबन हर मुफस्सिर ये कहता है इस कौल का मतलब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। तेरी जुबान इस जिक्र से तर रहे। तर रहे का क्या मतलब है? आप अपना हाथ गीला करें, थोड़ी देर छोड़ दें, खुश्क हो जाए। जब तर करना है तो
तो मुसलसल पानी लगता रहे लगता रहे लगता रहे ये तर रहेगा, और जैसे ही पानी लगाना छोड़ देंगे ये खुश्क हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम तुम्हारी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। मालूम ये चला तेरी जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इस विर्द से रुकनी नहीं चाहिए। या अल्लाह जो मोमन तुझसे डरा फिर तेरे हुक्म को मान के इसकी जुबान ला इल्लाह इल्लल्लाह के विर्द से तर रही उसको क्या मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद ऐलान फरमा रहा मैं इसके अमाल की इस्लाह कर दूंगा, निगाह पाक कर दूंगा, गुफ्तार पाक कर दूंगा, सोच पाक कर दूंगा, फिक्र पाक कर दूंगा, अमाल पाक कर दूंगा, हर गंदगी से इसको धो दूंगा, ये बंदा इस्लाह याफ्ता हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मेरे बेटे हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब एक पहाड़ पर तशरीफ फरमाते हैं, मुआज़ बिन जबल वही मौजूद थे। मेरे महबूब ने फरमाया ए मुआज़ बिन जबल, मुआज़ बिन जबल ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाते एक बार नहीं, मुआज़ बिन जबल ने तीन बार कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। खुदा के महबूब ने फरमाया मुआज़ जो कहे इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला ने इस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। मुआज़ बिन जबल फरमाते इस बात पर मुझे इतनी खुशी हुई मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका ऐलान कर दूं। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी मैं इसका ऐलान कर दूं। रब के महबूब ने फरमाया नहीं, लोग अमल में सुस्ती करने लगेंगे। आगे सुनिए नबी पाक से अर्ज की या रसूल अल्लाह आपने फरमाया जिसने इखलास से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह उसके लिए जन्नत की आग हराम कर दी गई। इस कलमे का इखलास क्या है। मेरे महबूब पाक ने फरमाया हर वो काम जिससे अल्लाह ने मना किया है रुक जाए, जिसका करने का हुक्म है उसको अपना ले। इस कलमे का इखलास ये है। मेरे प्यारे भाई मेरे बेटे हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, आप अपनी तफसीर में तहरीर फरमाते हैं, एक अल्लाह का बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए हज करने के इरादे से निकला कि नबी पाक का फरमान है हज ऐसी इबादत है जब मोमन हज करके फारिग होता है अल्लाह उसको ऐसे पाक कर देता जैसे आज इसकी मां ने इसको जना। वो घर से निकला आंखों में आंसू थे चेहरे पे नदामत थी, इतने गुनाह किए अल्लाह के पास जाता हूँ अल्लाह से तौबा करता हूँ अपने गुनाह की मगफरत मांगता हूँ। हज के दौरान अरफात के मुकाम का क्याम करना ये रुकने आजम है। जो हज में अरफात के मैदान में क्याम नहीं करता उसका हज होता ही नहीं। ये अल्लाह का बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह के हज किया, हज के दौरान जब मुकाम अरफात पर पहुंचा जिसने वहां से सात पत्थर उठाए, उठा के रोता भी है पत्थरों को देखता है कहता है पत्थरों तुम तो आग हो जाओ, मैं कहता हूँ अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अश्हदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
कह के हज को पूरा किया वापस लौट आया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इसका इंतकाल हो गया, अल्लाह के हुजूर पेश किया गया, नेकियां भी आ गई बदियां भी आ गई। इसने तो इतने गुनाह किए थे, इतनी अल्लाह की नाफरमानियां की थी, जब इसकी नेकियां बदियां तो ली गई, गुनाह का पर्दा भारी हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया ये तो जहन्नमी हो गया, इसको जहन्नम में डाल दो। अल्लाह के फरिश्तों ने पकड़ा उसको, जहन्नम तक लेकर गए। हदीसे पाक में आता है जहन्नम के सात दरवाजे हैं। अल्लाह के फरिश्ते पहले दरवाजे से लेकर गए, जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे एक पत्थर आके गिरा, जहन्नम का दरवाजा बंद हो गया। अल्लाह के फरिश्ते पकड़े हुए हैं, दूसरे दरवाजे पे ले गए, जहन्नम का दूसरा दरवाजा जब दाखिल करना चाहा तो दूसरा पत्थर आया, उस दरवाजे पे गिरा, उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। आप फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते जिनकी ताकत की कोई इंतहा नहीं है, उस पत्थर को हटाना चाहते हैं, जहन्नमी है, जहन्नम में दाखिल करें, हटाना चाहते हैं, पत्थर सिरकता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है। सातवें दरवाजों पे ले गए, सातों दरवाजों में जब दाखिल करना चाहते पहले दरवाजा खुला होता, जब इसे लेके करीब पहुंचते पत्थर आके दरवाजे पे गिरता, दरवाजा बंद हो जाता, इसे हटाना चाहते वो हिलता भी नहीं। अल्लाह के फरिश्ते मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे फरिश्तों, मेरा बंदा आज करने आया था अनफाक के मैदान में खड़े होकर, इसने सात पत्थरों को गवाह बनाया था, ऐ पत्थरों तुम गवाह हो जाओ, मैं ये ऐलान करता हूँ, ये शहादत देता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ऐ फरिश्तों इनकी शहादत पर ये अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं, अपने हक को अदा कर रहे हैं, इनके साथ मेरी रजा भी शामिल होती है, मैं इसकी गवाही को कबूल करता हूँ कि इसने इकरार किया था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैंने सारे गुनाह माफ किए, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। मेरे प्यारे भाई मेरे बेटे, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ये कलमा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप सारी जिंदगी कहो कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, ये तो कुफर है। जब अल्लाह लगेगा तो फिर ये गैरों की नफी कर देगा, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, अल्लाह ना लगे तो कुफर हो जाता है, ये कलमा कुफर का बन जाता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह अल्लाह कहने वाले पर क़यामत बर्पा नहीं होगी, सारे मारे जाएंगे, सारे तबाह हो जाएंगे, सारे गर्क हो जाएंगे, सारे अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे, लेकिन रसूल पाक फरमाते अल्लाह अल्लाह कहने वाले पर क़यामत बर्पा नहीं होगी। दूसरी हदीस पाक अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब तक दुनिया में एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा क़यामत नहीं आएगी। क्या मालूम चला, क्या मालूम चला, बात बनेगी अल्लाह पर। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया दुनिया और जो कुछ दुनिया में सब पर अल्लाह ने लानत की हुई है, मासवा अल्लाह के जिक्र और जो अल्लाह के जिक्र में वसीला बनता है, उसके अलावा हर चीज पे अल्लाह ने लानत की है। वो जगह जहां बैठ के अल्लाह का जिक्र होता है, वो दरी जिस पे बैठ के अल्लाह का जिक्र होता है, वो मकान जिसकी छत के नीचे बैठ के अल्लाह का जिक्र होता है, जिसकी नस्बत अल्लाह से बन जाए
जाए, अल्लाह का घर हो, अल्लाह का कुरान हो, अल्लाह ताला की राह का सफर हो, जब अल्लाह साथ लग जाएगा वो मलूल होने से चीज बच जाएगी। नबी पाक के फरमान के मुताबिक अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, और जो चीज अल्लाह के जिक्र में वसीला बने, अल्लाह ने हर चीज पे लानत कर दी। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, अल्लाह का जिक्र तीन अकसाम पर है। एक एजाज से अल्लाह का जिक्र करना, तेरे हाथ अल्लाह का जिक्र करें, तेरे आंखें अल्लाह का जिक्र करें, तेरे पैर अल्लाह का जिक्र करें। ये जिक्र कैसे करते हैं? जब आप इन एजाज से अल्लाह का हुक्म मानेंगे, ये एजाज अल्लाह के ताबे काम करेंगे, गुनाह से बचेंगे, ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, एजाज का जिक्र। दूसरा, जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, जिसे जिक्र लिसानी कहते हैं, जुबान का जिक्र। जुबान अल्लाह अल्लाह करे, जुबान दूसरी पढ़े, जुबान कुरान पाक की तिलावत करे, जुबान से अल्लाह के नाम की तबलीग करे, ये सारा जुबान से अल्लाह का जिक्र है। और तीसरा, अल्लाह का जिक्र करना, लेकिन अल्लाह का जिक्र दिल से करना। ये क्या नेमत है! अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, एक अल्लाह का जिक्र जिसको अल्लाह के फरिश्ते सुनते हैं, और दूसरा अल्लाह का जिक्र जिसको फरिश्ते भी नहीं सुनते, और से सुनते। नबी पाक ने फरमाया, एक अल्लाह का जिक्र जिसको फरिश्ते सुनते हैं, दूसरा अल्लाह का जिक्र जिसको फरिश्ते भी नहीं सुनते, वो जिक्र जिसको अल्लाह के फरिश्ते भी नहीं सुनते, उस जिक्र से जिसको अल्लाह के फरिश्ते सुनते हैं, उससे ये 70 गुना ज्यादा शौक है। फरिश्ते नहीं सुनते, लेकिन सुनता कौन है? उस जिक्र को सिर्फ अल्लाह ताला सुनता है। हदीस पाक में आता है, महबूब पाक फरमाते, रोजे क्यामत एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा, उसके अमाल तुलेंगे, नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, गुनाह का पड़ा भारी हो जाएगा, वो झुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, और भी अमल है तो वो भी ले आओ। या अल्लाह, हमने तेरे बंदे का हर अमल लिख लिया जब इसने किया, और जो हमारे पास अमाल थे हमने सारे पेश कर दिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, इसका एक अमल ऐसा है जो तुम नहीं जानते, सिर्फ मैं रब जानता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस अमल का सवाब जब अल्लाह ताला नेकी के पड़े में रखेगा, वो नेकी का पड़ा इतना तो भारी हो जाएगा, उसकी सिर्फ बख्शिश नहीं होगी, वो जन्नत में आला मुकाम का हकदार बन जाएगा। फिर मेरे प्यारे रसूल ने फरमाया, पता है वो क्या अमल था जो अल्लाह ने अपनी दस्ते रहमत उसमें रखा था? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल जानते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, वो दिल का जिक्र जिसको मेरे सवाब कोई नहीं जान सकता, ये उसका सवाब था। गाड़ी तेज रहो, तेज गांव, पेशावर एक्सप्रेस, इंजन से लेके आखिरी डब्बा जिसमें गार्ड होता है, इसको सारे को रेल कहते हैं, गाड़ी कहते हैं। लेकिन उसमें एक इंजन होता है, बाकी सारे डिब्बे होते। अगर इंजन ठीक ना हो, सारे डिब्बे धुले धुलाए, सारे साफ साफ सब सब चीजें उसमें अवेलेबल, ये गाड़ी कभी नहीं चलती। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, ये बात गौर से सुन ले। एजा का जिक्र हो, जुबान का जिक्र हो, ये सारे डिब्बे हैं। इंजन दिल का जिक्र है, इंजन दिल का जिक्र है, दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, आंख में हया आएगी, ये दिल आंख को कंट्रोल करेगा, दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, ये जुबान को कंट्रोल करेगा, दिल अल्लाह का जिक्र करेगा,
ये पैरों को कंट्रोल करेगा, हाथों को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये दिन इज़ा का बादशाह है। ये ठीक होगा तो अपनी रैयत को, अपने इज़ा को खुद ठीक कर लेगा। दिल जिक्र नहीं करता है हाजी साहब, कोई काम सीधा नहीं होता। दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करता, नमाज तो भाग भाग के पढ़ने जाता है, काम कोई सीधा नहीं होता। तस्बीह हाथ में चल रही है दिन रात, दिल अल्लाह का जाकर नहीं, ये गुनाहों से नहीं बच सकता। दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, क्योंकि दिल इज़ा का बादशाह है। फिर ये बंदे को धोखे पाक करेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, हदीस पाक अल्लाह के महबूब फरमाते, इंसान के जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, जब वो ठीक हो जाता है, जब वो पाक हो जाता है, जब उसकी इस्लाह हो जाती है, पूरे जिस्म की इस्लाह। और जब वो गोश्त का टुकड़ा गंदा हो जाता है, वो गोश्त का टुकड़ा गलीज हो जाता है, तो नबी पाक फरमाते ये सारा जिस्म गंदा और गलीज हो जाता है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो गोश्त का टुकड़ा क्या है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अला वाहियल कल्ब, तू जान ले वो तेरा दिल है। अल्लाह का जिक्र दिल को पाक कर देगा, दिल पाक हो जाएगा तो सारे जिस्म की सलाम हो जाएगी। जुबान का जिक्र, कलमा शरीफ माँ बाप सिखा देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। मस्जिद में मौली कुरान पाक पढ़ाता है, साथ ये भी बता देता है सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। ये जिक्र जुबान का या इज़ा का, ये तो बंदा थोड़ी तालीम हासिल करे तो कर सकता है, लेकिन ये दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो, दिल अल्लाह का जिक्र करे। ये दिल का जिक्र जो अल्लाह के नबियों के दिल का नूर है, ये अपने आप नहीं कर सकता, इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। कुरान पाक दलील है, अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, असन अहल जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून, पूछो जिक्र अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। ये दिल का जिक्र इजाजत के बगैर नहीं मिलता। अभी आपको उसकी इजाजत दूंगा, 20 मिनट लगेंगे, तरीका समझाऊंगा। अगर आपने अमल किया, अल्लाह की रहमत ऐसी होगी, हाथों से काम करेंगे दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, जुबान से कारोबार करेंगे दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, आंखें सोई होगी दिल अल्लाह का जिक्र करेगा, ये बंदा मर जाएगा, रूह निकल जाएगी, दिल फिर भी अल्लाह का जिक्र करेगा। अल्लाह ताला ये शान सब